पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक छोटा सा आश्रम है इलाहाबाद का, वहां का मैं सेवक हूं, कोई मंत्री उंत्री नहीं हूं। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग अनेक संत गुरुजनों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। कुछ समय आप लोगों के बीच निवेदन है और मैं आप लोगों को कुछ साधारण बातों की ओर ले चल रहा हूं। अभी आगे और अच्छे अच्छे विचार आप सब श्रवण करेंगे। सतगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, सतगुरु कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हारन होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सतगुरु इस साखी में बताते हैं कि ऐ मनुष्य, तेरे सद्गुणों की विशेषता है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। तुम्हारे मरने के बाद न तुम्हारी हड्डी से किसी प्रकार के गहने बनेंगे, न ही चाम से जूते बनेंगे अथवा बाजा बनकर बजेंगे। तो सद्गुरु कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु कबीर यह नहीं कहते हैं कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा। सद्गुरु कबीर साफ साफ शब्दों में कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। दुनिया में कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने की सीख दिए हैं। वैसे और भी महापुरुष हुए हैं और महापुरुषों ने भी कहा है, किंतु इस भूतल पर जितना साफ सद्गुरु कबीर ने कहा है आज तक किसी महापुरुष ने नहीं कहा है। और इसे आपको देखना है तो उनकी वाणी है बीजक, जो दो खंडों में है, जिस पर सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है, उसमें आप देख सकते हैं। उसी में एक साखी है, एकै त्वचा हाड़मल मुत्रा, एक रुधिर एक गूदा, और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। सबके शरीर में एक ही प्रकार की हड्डी है, चाम है, रक्त है, फिर यहां कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। ये उनकी मतलब वाणी है। ऐसे ही हर वाणियों पर, हर पहलुओं पर उनका, कबीर साहब का अनमोल रत्न है। तो सदगुरु कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हारन होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य केवल मानवी गुणों के नाते महान है। यदि उनके अंदर मानवी गुण नहीं है, सद्गुण सदाचार नैतिकता नहीं है, तो वह पशु से गया बीता है। क्यों? क्योंकि पशु तो जीते जी काम में आते हैं, जब तक जीवित है बोझा ढोते हैं, हल्के प्रयोग में आते हैं, मर जाते हैं तो हड्डी से खाद बनती है, चाम से जूते बनते हैं, बाजा बनकर भी बचते हैं। बल्कि अन्य शरीरों की विशेषता बताते हुए एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है। कवि कहते हैं, हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सीहन के खाल को तपसी मन भायो है, मृगन के खाल को ओढ़ते हैं योगी यति, छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लायो है, सांभर के खाल को बांधते सिपाही लोग, और गेड़न के खाल राजा रावण सुहाई है। कवि दया राम, राम के भजन बिना मानुष के खाल कछु काम नहीं आई। यदि इंसान राम का भजन नहीं किया, राम का चिंतन नहीं किया, तो
तो उसके शरीर का अंत में कोई महत्व नहीं है। शारीरिक दृष्टि से यदि हम देखें तो मनुष्य पशु पक्षियों की अपेक्षा बहुत पीछे है। जैसे मनुष्य सिंह के समान बलवान नहीं हो सकता है, हाथी और मछली के समान ये भारी भरकम वाला जानवर नहीं होता, चिल्हा गिद्ध के समान ये आकाश में उड़ नहीं सकता है, बया पक्षी के समान ये घोंसला बनाना नहीं जानता है। अनेक विशेषता है, किंतु एक चीज है, सिंह जैसे बलवान जानवर को भी आज आदमी बंदर की तरह नचा रहा है। तो पशु पक्षियों में केवल शारीरिक विकास है, मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं है। मानसिक और बौद्धिक विकास तो केवल मनुष्य में ही है, किंतु मनुष्य अपनी गरिमा को भूला हुआ है, बिल्कुल भूल गया है। आप एक रास्ता किस गरिमा को एकदम भूला हुआ है, मतलब बैल के सामने आप चारा रखिए तो जितनी आवश्यकता होगी खा पी लेंगे, जो सामान बचेगा टट्टी लघुशंका करके वो बैठ जाएंगे, उसे यह ज्ञान नहीं है कि कल भी मुझे खाना है। किंतु मनुष्य के सामने जब खाने की सामग्री आती है तो जितना ही आवश्यकता होती है खाता है, और जो बच जाता है उसको अन्य दिनों के लिए सुरक्षित रखता है। यह मनुष्य को ज्ञान है, किंतु इस ज्ञान का आज आदमी दुरुपयोग भी कर रहा है। किसी रास्ता से एक बैल गुजरा, खाने पीने की चीज दिखाई दिया, खा पी लेगा, आगे बढ़ जाएगा, वो गट्ठा बांध करके नहीं चलेगा। किंतु मनुष्य गुजरेगा तब पहले वो पेट भर खाएगा और कल भी खाना है, इसलिए वो गट्ठा बांध करके चलता है। आज आप देख लीजिए देश में नाना प्रकार के मिलावटबाजी, काला बाजारी, घोटाले हो रहे हैं। ये किसके लिए हो रहे हैं? क्या पेट भरने के लिए कि पेटी भरने के लिए? पेटी भरने के लिए हो रहे हैं। किंतु ये पक्का सोच लीजिए, जितने घोटाले बाज करने वाले हैं, चाहे जितना घोटाला करे, इन लोगों की पेटी कभी भरने वाली नहीं। ये संसार ऐसा है, यहां किसी की पेटी आज तक भरी नहीं है। एक भिखारी था, भीख मांग कर गुजारा करता था, बूढ़ा हो गया था। तो एक दिन उसके मन में हुआ, प्रजा में भीख मांगते मांगते मेरी जिंदगी बीत गई, बूढ़ा हो गया हूं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, राजा के यहाँ जाऊं कुछ धन मिल जाए तो भिक्षा मांगना छूट जाए। गया राज दरबार में, राजा के सामने उपस्थित होकर के कहा, प्रजा में भीख मांगते मांगते मेरी जिंदगी बीत गई, मेरा पात्र भरा नहीं, आज आपके पास आया हूं। ये पात्र भर जाए तो भीख मांगना बंद हो जाए। राजा जब के सामने इस ढंग से उस भिखारी ने कहा, उसके अहम में ठेस लगी, मंत्री को आदेश दिया, मंत्री ला करके डालना शुरू किया। जैसे डालता था कुछ ही समय बाद वो पात्र खाली का खाली। अंत में मंत्री ने राजकोष उड़ल दिए, फिर भी वो पात्र भरा नहीं, खाली का खाली, नीचे छेद था, जो कुछ भी डालता था वो गिर जाता था। अंत में राजा ने कहा कि ऐ भिखारी, जिस पात्र को भरने के लिए पूरी प्रजा असमर्थ हो गई, आज राजा असमर्थ हो गया, बताओ ये किस धातु का पात्र है? मिट्टी का है कि पीतल का है कि तांबा का है कि लकड़ी का है कि किसका है? तब उस भिखारी ने कहा, हुजूर ये बाहरी धातुओं का नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है, खोपड़ी। राजा ने पूछा, मिला कहां? कहा, भीख मांगने निकला था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, मेरा जो पात्र टूटा हुआ था, खोपड़ी पड़ी हुई थी, उठा लिया, अब मांग रहा हूं इसी से। तो ये खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है, पक्का जाना। इसीलिए सतगुरु कबीर ने कहा है, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। ये कबीर साहब ने कहा है, और सतगुरु अभिलाष साहब ने कहा है,
दिन भर श्रम करो, श्रम अनुसार शाम को जो मिलता है संतुष्ट रहो, सुखी रहने का यही रास्ता है, ये सुख से जीने का रास्ता है। हम लोग श्रम थोड़ा करते हैं, चाहना अधिक रखते हैं, इसीलिए अंत में दुखी होते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा था मनुर्भव, मनुष्य बनने की सलाह दी थी, आज हम उनके संतान मनुष्य नहीं बन पा रहे, कितनी बड़ी भूल है। लोग कुत्ते के पिल्ले को गोद में ले लेंगे, बिल्ली के बच्चे को गोद में ले लेंगे, किंतु मनुष्य को देख करके कहेंगे दूर रहो, उनसे घृणा की दृष्टि रख रहे हैं। और जब उसकी छाया पड़ गई तो कपड़े के सहित सचैल स्नान करते हैं। सोचिए आज आदमी के दिमाग को कितना लकवा मार गया है, क्या मनुष्य का बच्चा कुत्ते के पिल्ले और बिल्ली के बच्चे से भी गया बीता है? इतनी अकल हमारी नहीं है। एक आदमी है जो जिसे हम कह दिए दूसरे की गंदगी उठा रहा, उसको हम कहते हैं ये भंगी है, दूर रहो कहते हैं। और आप हम जितने लोग बैठे हैं अपने पेट में क्या टट्टी भर के तो घूम रहे हैं कि अमृत भरे घूम रहे हैं? एक आदमी है जगह गंदी कर रहा है और एक आदमी साफ कर रहा है, सोचिए बड़ा कौन होता है? साफ करने वाला बड़ा है। सुबह सुबह उठते हैं, शौचालय में जाते हैं, सारा काम तो हम दूसरों से करवा लेते हैं, शौचालय में आप दस्त कौन करता है? क्या कोई वहां नौकर खड़ा रहता है क्या? स्वयं तो हम भंगी बनते हैं। ये बताइए सब लोग भंगी बन रहे हैं और जो दूसरे की टट्टी साफ कर दिया वो कैसे भंगी हो गए, जबकि सबके सब तो भंगी हैं। इतनी अकल नहीं है हमारे अंदर और दूसरों को हम घृणा की दृष्टि से देखें। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मनुष्य बनने की सलाह। एक कवि ने कहा है आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता अब मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी का देखने का चेहरा अलग है और दिखाने का चेहरा अलग है। इसीलिए कबीर साहब को पीड़ा हुई और उन्होंने कहा मनुष्य बनने की सलाह। एक कवि ने और सुंदर कहा है मैं हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया, इंसान के यहां पैदा हुआ इंसान नहीं कहलाया। ये कबीर साहब का। तो आज आवश्यकता है इंसान बनने की। दो गधे थे, दोनों एक जगह चर रहे थे, चरते चरते दोनों में विवाद हुआ तो एक गधा ने दूसरे गधा को कहा इंसान के औलाद। जैसे दूसरा गधा सुना इंसान के औलाद, सहन नहीं कर पाया, तुरंत दुलत्ती झाड़ना शुरू कर दिया और कहा तेरी कैसे हिम्मत हुई जो तुम मुझे इंसान के औलाद कह रहे हो? कम मुझे तुम घी में डालडा मिलाते, चना में कंकड़ मिलाते और हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते, अथवा पराए की बहन बेटी पर गलत दृष्टि करते हुए देखे हो जो तुम मुझे इंसान के औलाद कह रहे हो? सोचिए एक गधा भी इंसान के औलाद कहलाने में शर्म कर रहा है और आप हम क्या मनुष्य ही तो हैं? गोस्वामी जी ने रामायण में क्या कहा है, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से जो शरीर मिला है आज उस शरीर को प्राप्त कर यही तो कर रहे हैं। किसी बैल को आप मुख से धुआं उड़ाते नहीं देखे होंगे, किसी गधे को आप खैनी खाते नहीं देखे होंगे, नहीं देखा है ना? तो दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं सब अपनी मर्यादा में हैं, केवल मनुष्य ही अपनी मर्यादा को लांघा हुआ है। और मिलावटबाजी तो इस देश की चरम सीमा पर है, क्या कहा जाए।
बोलिए सतगुरु देव की। मिलावटबाजी तो इस देश की चरम सीमा पर बढ़ा हुआ। एक आदमी था, प्योर दूध बेचता था और गुजारा करता था, और वो तो ईमानदार था, प्योर दूध बेचता था। उसकी पत्नी थी तेज तर्रार, हमेशा कोसती थी कि क्या तेरी कमाई है, तेरी कमाई में न कीमती साड़ी मिली, न शरीर के किसी अंग के लिए गहने मिले। हमारे माता पिता भी कैसे बुद्धू थे जो तुम जैसे उल्लू के साथ लगा दिए। कोसती रहती थी। वो आदमी कहता था कि मेरी कमाई ही इतनी है, जब पैसा होगा तो कर दूंगा। उसकी पत्नी कहती थी कि तेरी कमाई होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि घर की अगुवाई मुझे करने दो। तो वो आदमी था, चलो तुम ही अगुवाई करो। वो तो प्योर दूध बेचता था। जिस डिब्बे में 10 लीटर 12 लीटर दूध आता था उसमें पूरा मैं वो 15 लीटर जिस डिब्बे में दूध आ रहा है 10 लीटर 12 लीटर दूध डालती थी वो, और 3 लीटर पानी और डाल करके चला करके बंद करके देती थी, और अपने पति को कहती थी कि जाओ बेच करके आओ। नरपतगंज फारबिसगंज से बेच करके वो आता था। जैसे आता था वैसे उसकी पत्नी कहती थी 10 लीटर 12 लीटर का पैसा तुम रखो, तुम्हारी कमाई का है, शेष पैसा मुझे दो, मेरी कमाई का है। पैसा इकट्ठा होते गया। जब पैसा इकट्ठा हो गया तो एक दिन अपने पति को लेकर के फारबिसगंज नहीं गई, न पूर्णिया गई, वो गई सीधे बिहार की राजधानी पटना। और वहां एक बड़े ज्वेलर्स के दुकान में शरीर के अनेक अंगों के लिए गहना बनाई और नाक के लिए नथुनी बनाई, छेद होते बीच में दीवार, सोने की बाली नथुनी। गांव में पानी का अभाव था, छोटी सी नदी बहती थी, गांव के लोग जाते थे वो भी जाती थी। शरीर के अनेक अंगों के लिए गहना बनाई थी, नथुनी भी पानी, साबुन भी लाई थी, लगा करके स्नान कर रही थी। जैसे वो डूबी वो नथुनी तैरने लगी, मछली सोची कोई खाने पीने का चीज है कि पकड़ी तो झटका मारी तो उसका जोड़ नहीं खुला, नाक ही कट गई। जैसे नाक कटा खून बहने लगा, चह चहाने लगा। वो महिला कहने लगी पानी के पैसा पानी में और नाक कट गई बेईमानी में। पैसा बहा करके कमाओ पूरा पढ़ने वाला नहीं है। अब बेईमानी करके कमाएंगे वो पूरा पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मानुष तेरा गुण, मनुष्य बनने की सलाह। और हम मनुष्य नहीं बन पा रहे। दवाई जैसे चीज में मिलावटबाजी, लोग इतने दुकान में मंदिर में जाएंगे 3 घंटा पूजा करेंगे राम नामी चादर ओढ़ करके, और दुकान में बैठेंगे घी में डालडा मिलाएंगे, चना में कंकड़ मिलाएंगे, और हल्दी में पीली पता नहीं क्या करेंगे। आदमी कैसा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी की देखने का चेहरा दूसरा है और दिखाने का चेहरा दूसरा है, यही सबसे बड़ी त्रुटि। इसीलिए हमारे एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा है करते हैं हम पतित जनों को बहुधा पशुता क्या आरोप, करता है पशुवर्ग क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूं। किसी पशु को आप पतित होते नहीं देखे। कल हम लोग सुन रहे थे ना, केवल पतित अपनी मर्यादा को मनुष्य ही लांघा। तो हम लोगों को चाहिए ना हम कुछ कर सके और आगे पीछे का काम अपनी श्रेणी में तो रहे, अपनी मर्यादा में तो रहे, अपनी मर्यादा को मैं न लगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य गुणों के नाते महान है, और यदि उनके अंदर गुण नहीं है तो पशु से भी गया बीता है। इसीलिए और यही यहां जो सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ आपको आप सब आर्थिक लाभ के लिए नहीं आए, यहाँ आप केवल
मनुष्य बनने की कला सीखने के लिए आए हैं। बस अब आप हमको चाहिए संत गुरुजनों की वाणी से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को सुधारें और अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।